हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स और हमारे पास है यहां पर रियलमी का रियलमी 11 प्रो प्लस। तो रियलमी 11 प्रो प्लस के लिए हमने आपको दिखाया था यूवी टेम्पर्ड ग्लास, जो कि कुछ इस तरह का होता है, ग्लास का बना हुआ होता है। देख सकते हैं हमने इसे हटा दिया है। अब इसके अंदर क्या दिक्कत होती है कि ये जो यूवी टेम्पर्ड ग्लास है, इसको लगाने में काफी दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूवी ग्लू से आगे चल के फोन में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा वारंटी वॉइड हो सकता है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आप यूवी टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो है अनब्रेकेबल मेम्ब्रेन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट जो है देखने को मिल जाता है gearwale.com की तरफ से। ये इतने सारे डिवाइसेस के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पे सारे डिवाइस के मॉडल लिखे हुए हैं, इन सभी डिवाइस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इसको अप्लाई करना है यही आज हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे, कैसे आपको इसको अपने फोन के ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले हम फोन का कवर जो है वो हटा देते हैं एंड देन हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो वाइप देखने को मिल जाता है, आपको इसका यूज करना है। इसमें आपको जो वाइप 1 मिलेगा उससे अपने फोन के स्क्रीन को बहुत बढ़िया से जो है आपको क्लीन करना है। इस यूवी इस मेम्ब्रेन को लगा करके आप अपने फोन को माइनर स्क्रैचेस से बचा सकते हो, शॉक से बचा सकते हो, बट हाँ यार टूटने से नहीं बचा सकते हो। टूटा अगर गिरा कस करके तो मे बी डिस्प्ले टूट जाएगा। और हाँ, इसमें फिंगरप्रिंट लगाने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिंगरप्रिंट में आराम से आप इसको यूज कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो वो चीज यहां पर आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा फोन का स्क्रीन बढ़िया से जो है साफ हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से फुल बॉडी जो है हमने क्लीन कर ली वाइप 1 से। देन यही प्रोसेस आपको वाइप 2 के साथ करना है। यहाँ पे आप वाइप 2 बाहर निकालोगे और इस तरीके से अप्लाई करोगे। और जब आपको लगे कि आपका फोन का स्क्रीन जो है वो बढ़िया से क्लीन हो गया है, क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले है तो थोड़ा ध्यान से करना है इस काम को, कर्व को भी जो है बढ़िया से क्लीन करना है। ठीक है, अब बात आती है कि मेम्ब्रेन अप्लाई कैसे करना है। तो फोन को हम लोग सबसे पहले साइड कर देते हैं, मेम्ब्रेन को बाहर निकालते हैं। इसके अंदर आपको 3 लेयर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जो पहली लेयर है आपको उसको सबसे पहले जो है अपने फोन पर से, मतलब इसके पीछे से यहां से पूरा का पूरा जो है हटा देना है। ठीक है, थर्ड लेयर को सीधा हटा देना है बिना कुछ किए। अब आपको फोन को आगे लाना है और फोन के ऊपर रखना है। और जब आप ये काम करोगे तो खिड़की, दरवाजा, पंखा ये सब बंद कर देना, वरना डस्ट पार्टिकल आ जाएगा। और डस्ट पार्टिकल आ जाएगा तो ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर नॉच को हम लोग मिलाएंगे इसके साथ। इसके लिए हम यहां पर देख लेते हैं बढ़िया से। ओके, तो ये हमारा जो है मिल गया है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेता हूं मैं कि सही से मिला है कि नहीं। हाँ, सही से मिल गया है। देख सकते हो पूरा स्क्रीन ये कवर कर रहा है। स्क्रीन को हम दोबारा से लॉक कर देते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहां पर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, आप एटीएम कार्ड वगैरह कुछों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सब में ये ट्रिक वर्क करेगी। ठीक है, अब इसको यहां से उठाएंगे और जो लेयर 2 है या कहो कि 3 है उसको हम सबसे पहले यहां से ऐसे करके हटाएंगे। ठीक है, अब इसको आपको इस तरीके से ऐसे आहिस्ते आहिस्ते प्रेस करना है ताकि एयर पार्टिकल जो है वो निकलता जाए और टेम्पर्ड ग्लास जो है वो लगता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4 ये हमारा बढ़ते जा रहा है और ये हमारा पूरा स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, एयर निकल गया। साइड से इसको इस तरीके से आप थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दोगे तो ये साइड में इजीली चिपक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा चिपक गया। अब आपको यही सेम चीज ऊपर के साइड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा धक्का लगाना है जिससे कि ऊपर जो लेयर है, यहाँ पे लेयर नंबर 2 बोलो, ये अब आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी एयर पार्टिकल है उसको आप यहाँ से इस तरीके से हल्का सा, मैं उठा लेता हूँ। हाँ, अब देखिए जो भी एयर है वो निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है और टेम्पर्ड ग्लास जो है या कहो कि मेम्ब्रेन जो है वो अप्लाई होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये अप्लाई हो गया बढ़िया से। अब आपको लगेगा कि अरे भाई इसमें तो इतना सारा एयर आ गया, ये क्या लगा दिया। तो रुक जाओ यार, थोड़ा सा इसको हम लोग को फिटिंग करने दो। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से कर लिया। अगर आपके पास हॉट गन या फिर जो है हॉट गन के अलावा जो हेयर ड्रायर आता है वो अगर है तो उससे भी आप ये काम कर पाओगे इजीली। ठीक है, अब ये हमारे हिसाब से पूरा चिपक गया है। अब ये लास्ट लेयर आपको निकलेगा और इस लेयर को निकालने के बाद देख सकते हो आपका टेम्पर्ड अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हल्का हल्का जो एयर है उसको आपको प्रेस करके निकालना होगा क्योंकि ये अंदर रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रुकिए हम लोग इसको हल्का सा उखाड़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप अच्छे से उखाड़ोगे तो। ठीक है, ये हमने उखाड़ा एंड देन सिंपल जो हमने पहले प्रोसेस किया था
कि हम इसके थ्रू इसको चिपकाएंगे, ठीक है। तो ये प्रेशर बनाएगा जिससे कि एयर जो है वो निकलते चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर जो है निकलते जा रहा है, 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 यहाँ से निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, और ये पूरा का पूरा हमारा एयर जो है वो निकल गया। अब ये वाली जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये आप देख सकते हो ये मैट में है, ठीक है। इसमें नॉर्मल भी आता है बट हमारे पास मैट आया है, तो मैं जो आपको लिंक दूंगा वो मैट वाले का होगा, ठीक है। मैट का मतलब है कि इस पर फिंगरप्रिंट के दाग आपके जो है नहीं आएंगे। तो गेमिंग के लिए भी अच्छा ये एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यूवी में गेमिंग तो मिल नहीं रहा है, तो आप इस वाले को यूज कर सकते हो। अब मैं आपको फोन का स्क्रीन खोल के दिखाता हूँ, देख सकते हैं थोड़ा सा मैट इफेक्ट में आ रहा है, अगर साइड से देखोगे तो दिख जाएगा, और काफी अच्छा लग रहा है देखने में। जो यहाँ पे लुक की मैं बात करूँ वो यहाँ पर एक नंबर हो गई है और बहुत अच्छे से फिट हो गया है, काफी अच्छा लग रहा है, इजी टू यूज हो गया। आपको ये लंबे समय तक चलेगा, इस पे स्क्रैच आते हैं कि नहीं ये भी एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी स्क्रैच लगा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम स्क्रैच लगा रहे हैं, यहाँ देखिए कोई भी स्क्रैच नहीं आया। थोड़ा सा और हम हार्ड मटेरियल यूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो स्केल है, स्केल में शार्पनेस है, इस स्केल से भी हम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे हल्का सा आया है, इसे हमने हटा दिया और ये साफ हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे इसके लिए बेल आइकन दबा के जरूर से रखें।